हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सालामांगा। मपुटू से 50-60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे काफी मस्त नजारा है। आज की वीडियो में मैं आपको सालामांगा की कुछ अच्छी अच्छी झलकियाँ दिखाने वाला हूँ और आप काफी एंजॉय करने वाले हो, तो आखिर तक जरूर वीडियो देखिए और मिलते हैं आगे वीडियो में। मपुटू से सालामांगा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है और हम लोग दो दिन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आयुष फुल तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ तानिया भी काफ़ी एक्साइटेड लग रही है। संडे होने के कारण यहाँ पे कोई भी इंसान दिख नहीं रहा है, काफ़ी कम लोग यहाँ पे है और ये मेन मार्केट है। तो हम यहाँ से निकल पड़े और फिर हम पहुँच गए यहाँ का मपुटू का और मोजाम्बिक का सबसे बड़ा ब्रिज, जो कि मपुटू कातेम ब्रिज है। ये ब्रिज कुछ ही समय पहले बन गया है और इसके पहले लोगों को बोट में जाना पड़ता था, अपनी गाड़ियों को बोट में चढ़ा के और नदी के उस पार जाके फिर उनको अपलोड करना होता था। वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस था, लेकिन अब आप देख सकते हो कुछ ही पल में हम लोग कातेम पहुंच गए हैं। कातेम मतलब यहाँ का एक गांव है मपुटू के बाद वाला, तो वहाँ से आगे जाने पे सालामांगा लगता है। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छा लगता है जब सिटी में से आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पे हरियाली हो, बहुत सारे बर्ड्स पक्षी और काफ़ी शांति हो। ये है अपना एंट्री और यहाँ पे है बाथरूम, छोटा मोटा बाथरूम, ब्यूटीफुल। और ये छोटा सा अपना रूम है और यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा है, लेकिन ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है। ये रहा सुबह का। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला है, तबला। ओ माय गॉड, गौरव तनेजा की याद आ गई, क्योंकि वो भी हमारे यूट्यूबर बहुत ज़्यादा तबला में रुचि दिखा रहे थे, तो अपन भी थोड़ा बहुत कुछ बजाएंगे। ताज चावती खबर सिटी में। दोस्तों हम लोग ये सारी ब्यूटीफुल चीजें मिस कर देते हैं और आज ये दूसरा दिन हो चुका है। यहाँ पे पूजा की कुछ मस्तियाँ शुरू है और अभी हम थोड़ी देर में जो नैतिक महाराज है, यहाँ पे जो पंडित है, वो हमें बहुत सारी पूजाएँ करवाने वाले हैं। तो काफ़ी एंजॉय किया था हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पीस लगा माइंड को। दारिद्रमे
परिशांति। भगवान के प्रधान जी क्या हमने जो पूजा की वो भगवान को अर्पण करते हैं। गुरु राजा की सदगुरु राजा की हो हमारा भोले नाथनी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सदगुरु राजा की प्रदक्षिणा सदगुरु राजा की धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सदगुरु राजा तुमने मीरा को तारा तुमने सुना है तुमने मीरा को तारा हर का पीके पिया प्रभु को भी शरणागतम जन्म मृत्युर्जनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम तं कर्म बन्धने हि जय भोलेनाथ जय विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आडो हाथ रखायो चलो पवन। दोस्तों हम जहां पे है इस जगह का नाम है आनंद आश्रम सालामांगा। और दोस्तों इसी के सामने एक मंदिर है जो कि ऑलमोस्ट 200 साल पुराना है, तो चलो वहाँ चलते हैं और वो मंदिर देखते हैं। दोस्तों दोपहर का खाना वगैरह खा के हो चुका है और बच्चे भी घूमने के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर कर के मज़ा कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलो जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अभी पंडित जी आएंगे तो वो भी हमें थोड़ा बहुत दिखाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हम आज यहाँ सालामांगा पे आए हैं और ये यहाँ गुरुदेव का ये आलीशान मंदिर बनाया है, तो हम लोग आज संडे है तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। गुरुदेव का मंदिर है और यहाँ पे नया कुछ नया मंदिर बन रहा है और ये बहुत बड़ी जगह है,
यहाँ से 4.5 एकड़ जमीन है, बहुत ज़्यादा शांति और इंजॉयबल स्पेस है, बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं पूरा कैंपस को एक राउंड मारने, यहाँ पे देखने कैसा क्या है। और हमको पता चला, नैतिक महाराज ने बताया कि ये जो यहाँ पे फैंसी बनाई गई है, पूरी दीवार बनाई गई है, उसी को सिर्फ 2 साल लग गए थे। और यहाँ पे जब मंदिर और आसपास में इंसानों के आसपास अगर सांप वगैरह कुछ मिल जाते हैं तो इनको यहाँ पे मारा नहीं जाता है, ये जो जगह है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नियम है कोई भी पशु पक्षी को मारना मना है। कई तरीके के यहाँ पे पेड़ है और कई तो बहुत ही अच्छे फ्रूट है। तो ये फ्रूट के बारे में महाराज बता रहे थे कि ये हनुमान फ्रूट है, जिसे हनुमान काफ़ी पसंद करते थे। और ये फ्रूट हार्ट के लिए इतना अच्छा होता है कि अगर आप ये फ्रूट डेली खाते हो या हफ्ते में एक बार भी खाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहते। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुके थे, और भी कोई फैमिली आए थे तो उनके साथ में भी दोस्ती हो गए। ये रहे संदीप भाई और रवि भाई, तो काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन अब वक्त हो चुका है जाने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है और ऐसी ही वीडियोज़ आपको मोजाम्बिक के बारे में चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एज ऑलवेज अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूं अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।